वेलकम ऑन मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल दिस साइड पूजा शर्मा. सो इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट अ पोयम विच इज इन बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट सिलेबस ऑफ एमडीएस यूनिवर्सिटी एंड द पोयम नेम इज ऑटम विच इज रिटन बाय जेम्स टॉमसन. एंड कल हमने जो पोयम पढ़ी थी जेम्स टॉमसन की वो थी विंटर. जेम्स टॉमसन का लाइफ स्पैन है 1700 से 1748 तक. और मैंने कल बताया था कि जेम्स टॉमसन ने एक सीरीज लिखी थी पोएम की जिसका नाम सीरीज का नाम था द सीजन्स. उसमें फोर पोएम्स थी विंटर समर स्प्रिंग एंड ऑटम. ठीक है, जो विंटर है वो 1726 में पब्लिश हुई, देन समर 1727 में, स्प्रिंग 1728 में और ऑटम जो सबसे लास्ट में आई थी 1730 में पब्लिश हुई. तो कल हमने विंटर पोएम पढ़ी थी. कल विंटर की पोएम में था, विंटर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था राइटर ने, पोएट ने, और वो उन्होंने नेचर की ब्यूटी बताई थी कि विंटर के टाइम में जो हमारा वेदर होता है वो कैसा होता है और जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं वो पोएट्स देख लेते हैं, और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया है. तो आज हम उसी का टेक्स्ट पढ़ेंगे ऑटम का, और ऑटम के टेक्स्ट को मैं डिस्क्राइब करूँगी. सो स्टार्ट. द वेस्टर्न सन विथड्रॉज द शॉर्टेंड डे. देखो वेस्टर्न सन है, बात कर रहे हैं यहाँ वेस्टर्न के बारे में. मैंने बताया था कि ये अपने यहाँ के सीजन्स की बात कर रहे हैं, और ऑटम का टाइम है. ऑटम पतझड़ को बोलते हैं इंग्लिश में, बट हाँ जो बहुत ज़्यादा ठंड वाला टाइम होता है वो ऑटम भी वहाँ है. तो वहाँ के बारे में इन्होंने पोएम का डिस्क्रिप्शन दिया है दैट द वेस्टर्न सन विथड्रॉज द शॉर्टन डे. वेस्टर्न सन जो सर्दी होती है, जो ऑटम का टाइम होता है, उस टाइम में दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं, है ना, दिन बहुत छोटे हो जाते हैं. और क्या होता है, एंड ह्यूमिड इवनिंग, और इवनिंग के टाइम में बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है. ह्यूमिडिटी आप समझते हैं, उमस सी हो जाती है, ऐसे अजीब सा एटमॉस्फेयर हो जाता है, फॉग ही फॉग लगता है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है. तो ऐसी सीनरी उन्होंने दिखाई है. द वेस्टर्न सन विथड्रॉज अ शॉर्टन डे एंड ह्यूमिड इवनिंग ग्लाइडिंग ओवर द स्काई. और क्या हो रहा है, जो स्काई है वो भी एकदम फॉग से भर गया है, बहुत ज़्यादा कोहरा सा छा गया है. इन हर चिल प्रोग्रेस टू द ग्राउंड कंडेंस द वेपर्स थ्रू वेयर क्रीपिंग वाटर्स ओज. देखो एक इन्होंने इवनिंग का टाइम बताया है, और स्पेशली जो ठंड की इवनिंग है उनका टाइम, उसका टाइम बताया है. बोल रहा है पोएट की जो उस सर्दियों का टाइम होता है उस टाइम बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, और जो हमारा स्काई है उसमें फॉग ही फॉग दिखता है, और जो ग्राउंड है वहाँ पे वाटर ड्रॉप्स दिखती है. वाटर ड्रॉप्स आपको फॉग के कारण सर्दियों में देखने को मिल जाएगी, कहीं भी आप कोई पेड़ पौधे पे देखेंगे तो वो पूरा एटमॉस्फेयर दिखा रहे हैं. द वेस्टर्न सन विथड्रॉज द शॉर्टन डे एंड ह्यूमिड इवनिंग ग्लाइडिंग ओवर द स्काई. इन हर चिल प्रोग्रेस टू द ग्राउंड कंडेंस द वेपर्स थ्रू वेयर क्रीपिंग वाटर ऊज वेयर मार्शेस स्टैग्नेंट एंड वेयर रिवर्स विंड. और क्या हो रहा है, देखो पूरा उन्होंने बता दिया कि फॉग है, सब कुछ है. उसके बाद में कह रहे हैं इन हर चिल प्रोग्रेस. तो यहाँ पे क्या है, इवनिंग को उन्होंने पर्सोनिफाइड किया है, इवनिंग का मानवीयकरण किया, और मानवीयकरण करने के कारण यहाँ पे जो इवनिंग है उसको हर बोला गया है. आपको पता होगा पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है. पर्सोनिफिकेशन एक लिटरी टर्म है जहाँ पे राइटर किसी भी चीज़ का मानवीयकरण कर सकता है, वो चाहे कैसा भी हो, किसी को भी हर बोल सकता है, शी बोल सकता है, ही बोल सकता है. तो यहाँ इवनिंग को, उस एटमॉस्फेयर को वो हर बोल रहा है, और कह रहा है इन हर चिल प्रोग्रेस टू द ग्राउंड कंडेंस्ड, कि इतनी सर्दी में जो प्रोग्रेस चल रहा है उसका जो ग्राउंड है वो कंडेंस्ड हो गया है ना, मतलब वो एकदम वाष्प से अपनी वाटर ड्रॉप से भर गया है ग्राउंड. ठीक है, देन बात करें द वेपर्स थ्रो वेयर क्रीपिंग वाटर ऊज विद मार्शेस स्नेग्नेंट. और क्रीपिंग वाटर, वाटर क्रीपिंग का मतलब हो गया कि जो पानी, जैसे बारिश के टाइम में ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, पानी जो है वो ऐसे इधर उधर घूमता है, तो एक सड़क सी, छोटी सी नाली सी बन जाती है. तो यहाँ वो सेम एटमोसफेयर दिखा रहे हैं कि क्रीपिंग वाटर, अगर किसी रिवर का वाटर क्रीप करेगा तो रास्ता सा बन जाएगा और दलदल सा जम जाएगा, तो वो वैसा ही बता रहे हैं. वेयर मार्शेस स्टैग्नेंट, और एक जगह रुक जाएगा दलदल बन के. ठीक है, देन बात कर रहा है हमारा पोएट एंड वेयर रिवर्स विंड क्लस्टर द रोलिंग फॉग्स एंड स्वीम अलोंग. और रोलिंग फॉग स्वीम अलोंग, जो फॉग है वो अकेला ही स्वीम कर रहा है पूरे स्काई में. ठीक है,
तो अभी तक उन्होंने क्या बताया है, ये बताया कि जो सर्दी है उसकी इवनिंग में बहुत जल्दी जो हम देखते हैं कि अंधेरा बहुत जल्दी आ जाता है, फॉग है, नीचे जो ग्राउंड है वहाँ पे वाटर ड्रॉप्स है बहुत सारी, है ना, और जो क्रीपिंग वाटर चल रहा है उसकी वजह से जो दलदल जम गया है, ये सब अभी तक उन्होंने सीनरी बताई है। और जो हमारा फॉग है वो अकेला ही स्विम कर रहा है स्काई में, ऐसा एटमोसफियर बन रहा है। द डस्की मेंटल लॉन, और जो डस्की मेंटल लॉन जो है वो भी मेंटल्ड हो गया है, डस्की सा हो गया है, फॉग से एकदम अंधेरा सा छा गया है। मीन वाइल, इसी बीच में क्या हो रहा है, द मून फुल ऑर्बिट एंड ब्रेकिंग थ्रू द स्कैटर्ड क्लाउड्स। इसी बीच में मीन वाइल जो मून है वो अपने फुल ऑर्बिट में, मतलब पूरा कंप्लीट मून है वो आ रहा है किसके थ्रू, थ्रू स्कैटर्ड क्लाउड्स, बादलों के जो बादल हैं वो स्कैटर्ड हो गए हैं, छितर गए हैं, उनके बीच में से मून एकदम अपने फुल ऑर्बिट में निकल के आ रहा है, कंप्लीट मून निकल के आ रहा है। देन क्या हो रहा है, शोज हर ब्रॉड विजेज इन द क्रिम्सन ईस्ट, और ईस्ट से शोज हर मतलब ब्रॉड वाइज दिखा रहा है, अपना अपना पूरा बड़ा फेस दिखा रहा है ईस्ट में से, ठीक है। क्या बताया उन्होंने, ये बताया कि जो स्कैटर्ड जो बादल छितरे हुए हैं उनके बीच में से मून निकल के आ रहा है और अपना पूरा ब्रॉड फेस दिखा रहा है ईस्ट में से, वो निकल के आ रहा है पूर्व दिशा से। देन टर्न टू द सन डायरेक्ट हर स्पॉटेड डिस्क, और फिर क्या हो रहा है, टर्न टू द सन डायरेक्ट, और ऐसा लग रहा है वो मून वहां पे जैसे कि वो टर्न हो गया उस सन में, है ना, सूर्य के समान चमक रहा है वो, क्यों, क्योंकि बिना अपनी फ्लेम्स के, जैसे सूर्य होता है उसमें कितनी सारी रेज होती है, फ्लेम्स होती है, बट यहाँ मून को ही वो मतलब उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं सन में, वो कह रहे हैं कि टर्न टू द सन, ऐसा लग रहा है कि मून उस टाइम सन जैसा लग रहा है। टर्न टू द सन डायरेक्ट हर स्पॉटेड डिस्क, अपने खुद के स्पॉटेड डिस्क के साथ, मून जो है वो डिस्क की तरह होता है और वो स्पॉटेड होता है, उसमें धब्बे होते हैं, तो अभी जो मून है वो अपने स्पॉटेड डिस्क के साथ टर्न हो गया है सन में, सन के समान चमक रहा है यहाँ। देन बात कर रहा है राइटर, वेयर माउंटेन्स राइज एम्ब्रिजेस डेल्स डिसेंड एंड कैवर्न्स डीप एज ऑप्टिमिक ट्यूब डिस्क्राइब, और ये सब जब ये एटमॉस्फेयर है उसी बीच में हम टेलीस्कोप से, दूरबीन से क्या देख सकते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स, घाटियाँ, ये सब देख सकते हैं मून के आसपास, जिसको अभी टर्न कर दिया है सन में। तो बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे हम उसको टेलीस्कोप से देखें और ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली दिख जाएगी हमें, क्योंकि सन के पास ये सब चीज़ें दिख जाती है। तो यही उन्होंने बताया है, फिर माउंटेन्स राइज एम्ब्रिजेस डेल्स डिसेंड एंड कमन्स डीप एज ऑप्टिक ट्यूब डिस्क्राइब, अ स्मॉलर अर्थ गिव्स ऑल हिज ब्लेज अगेन, अ स्मॉलर अर्थ, एक अब दोबारा क्या है, पहले मून को इसमें टर्न कर दिया सन में, अब टर्न कर रहे हैं अर्थ में, अ स्मॉलर अर्थ, एक छोटी अर्थ बता दिया उसे, एक छोटी सी धरती के समान हमारा जो मून है हो गया, अ स्मॉलर अर्थ गिव्स ऑल हिज ब्लेज अगेन, और वो स्मॉलर अर्थ क्या कर रही है, ऑल इज ब्लेज अगेन, अपनी रोशनी सब जगह फैला रही है ना, जो मून है उसको अर्थ बोल दिया है यहाँ। A smaller earth gives all its blaze again, void of its flame and sheds a softer days. Void of its flame, मतलब अपनी जो flames हैं, जो किस में होती है, sun में होती है, उसको void, avoid कर रहा है ना, उसको without void, मतलब void का meaning है या without, without flame के वो चमक रहा है, ठीक है। Now up the pure, now through the passing cloud she seems to stop. Now through the passing cloud she seems to stop. यहाँ फिर personified किया है, but यहाँ personified किसको किया है, moon को personified किया है, कैसे, now through the passing cloud, उस passing cloud, उन बादलों के पास से जाते हुए जब वो गुजरता है, कौन, moon, she seems to stoop, वो झुक जाता है, कैसे झुकता है, now up the pure, कई बार वो झुक जाता है और कई बार क्या होता है, now up the pure circular ride sublime, जैसे कि वो अपना ride कर रहा हो, अपने गहरे नीले रंग के साथ में ride कर रहा हो, कभी तो ऐसा हो रहा है कि वो झुक रहा है ना, थ्रू द पासिंग थ्रू द क्लाउड, और कभी क्या हो रहा है, वो जैसे अपने गहरे नीले रंग के साथ में राइड कर रहा है आसमान में, कौन, मून, और मून का पर्सोनिफाइड किस किससे किया है, या शी, उसको शी बोला है, लड़की बोल दिया। देन क्या है, देन बात कर रहा है हमारा पोएट, वाइट द पेल डिल्यूज फ्लॉट्स एंड स्ट्रीमिंग माइल और द स्काइड माउंटेन और द शेडोई वेल, और जो उसका मून का जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ कहाँ पे पड़ रहा है,
पेल डिल्यूज फ्लॉट्स पे, स्ट्रीमिंग माइल पे और द स्काइड माउंटेन पे, शेडोई वेल पे, है ना, उसकी जो शेडो है वेल पे, घाटियों पे, बड़े बड़े माउंटेन्स पे, रॉक्स पे, सब जगह आ रही है। वाइल रॉक्स एंड फ्लड्स रिफ्लेक्ट इन द क्वेलिंग ग्लीम, और रॉक्स पे जब आ रही है तो कम कम पीसा जो चमकदार चमकीला उसका रिफ्लेक्शन है वो वैसा पड़ रहा है वहाँ। द होल एयर वाइटनेस विद द बाउंडलेस टाइड, और ऐसा लग रहा है कि अब होल एयर मतलब पूरी की पूरी जो हवा है, वाइटनेस विद द बाउंडलेस टाइड, एक ज्वार भाटे के बाउंडलेस टाइड, एक ज्वार भाटा टाइड जो होता है वो ज्वार भाटे को बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हो गई है ऑफ सिल्वर रेडियंस ट्रिम्बलिंग राउंड द वर्ल्ड, और ऐसा लग रहा है कि एक सिल्वर रेडियंस आसमान में राउंड द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है। तो यहाँ जो पोयम थी उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन मून पे दिया गया है, मून को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने सन में, मून को उन्होंने अर्थ में कन्वर्ट कर दिया, और लास्ट में यही बोला है कि मून जो है एक सिल्वर रेडियंस के अकॉर्डिंग है और वो पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, और उसका बहुत प्यारा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि मून जो है उसको हम अगर सूर्य मानेंगे तो टेलीस्कोप से हम देखेंगे तो हमें उसके पास बहुत बड़े रॉक्स, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, ये सब हमें दिखाई देंगे, और अर्थ जो है उस पर पूरा मून का रिफ्लेक्शन आ रहा है, और वो भी विदाउट फ्लेम, है ना, क्योंकि सूर्य जब है वो तो अपनी फ्लेम्स देता है, यहाँ विदाउट फ्लेम आ रहा है, और वैसे भी सर्दियों में जब फॉग में सब कुछ अंधेरा होगा तब जो मून है वो अपने अगर फुल ऑर्बिट में आएगा तो बस उसी की हमें रोशनी दिखाई देगी तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये हमारी पोएम थी ऑटम, और कल हमने पढ़ी थी विंटर, जिसमें भी हमारे नेचर का डिस्क्रिप्शन था, और जो हमारी पोएम है ऑटम इसमें भी नेचर डिस्क्रिप्शन ही है। वो विंटर की जो पोएम थी वो स्पेशली विंटर के लिए थी, विंटर का ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन था, यहाँ इन्होंने ऑटम का डिस्क्रिप्शन दिया, बट ऑटम में भी जो स्पेशली इन्होंने बात करी है मून पे की जो जो हमारे ऑटम का टाइमिंग है वो कैसा रहता है, अंधेरा हो जाता है या मून किस अकॉर्डिंग चलता है, कभी जो मून है सूर्य बन रहा है, कभी अर्थ बन रहा है, कभी अपने फुल रेडियंस में है, कभी वो स्टूप्ड हो रहा है, कभी झुक रहा है, मतलब पूरा उसी पे बता दिया है। तो ये जो पोएम है डिस्क्राइब द कंट्री साइड एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन एक्सटर्नल वेदर कंडीशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, ठीक है। इन दिस पोएम पॉइंट गिव्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ मूनलाइट इन द ऑटम, मूनलाइट का ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया है। ये हमारी पोएम थी, नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।